हेलो, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के ऑप्स कंसेप्ट के अंदर आप किस तरह से मेथड की चेनिंग कर सकते हैं। मेथड की चेनिंग करना बहुत ही पॉपुलर है और इससे आप कई तरह के चीज़ें सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और प्लस यहाँ पर आपकी जो कोडिंग स्टाइल है वो और भी प्रोफेशनल लगती है। प्लस इसमें आपके जो आप बार बार किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही लाइन में पूरे पूरे कई कई मेथड आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे लारावल के अंदर एक पैकेज यूज़ किया गया है एलिक्वेंट, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पर मॉडल के थ्रू हम कोई भी डाटा डाटाबेस से लेते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, और मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग चीज़ है। अगर आपको बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो इस वीडियो में मैं आपको उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आप किसी भी तरह के अपने जो चेनिंग है मेथड की चेनिंग आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे लारागन फोल्डर में जाते हैं। अगर आप लारागन यूज़ कर रहे हैं तो लारागन के DDD फोल्डर में जाना है। अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आपको HDDocs फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैं इसको लिख दूंगा चेन, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा मेथड चेन, ठीक है। और इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ अपने फोल्डर के अंदर, सॉरी PHP स्टोन के अंदर, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। PHP स्टोन जल्दी से ओपन हो जा भाई। हो गया हो गया हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही फाइल बनाएंगे एज यूजुअली, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, index.php। index.php की फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, और इसी एक फाइल के अंदर ही मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको अपनी वाजीवा यहाँ पे कैसे आप अपने मेथड की चेनिंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर PHP फाइल मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम मेरा रहेगा इंडेक्स, एंड इसी के अंदर सारा काम हम करेंगे, कोई और दूसरी फाइल हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सॉरी क्लास दे देते हैं यहाँ पे हेड हेल्पर, और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ओके यहाँ पे एक सिंपल एक स्ट्रिंग और उसको स्लग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक, या मैं इसको कर दूँगा प्राइवेट वेरिएबल str, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा वेरिएबल str इज इक्वल सॉरी वेरिएबल दिस का str इज इक्वल टू वेरिएबल स्ट्रिंग जो मेरी यहाँ पे पास करूँगा मैं जब भी क्लास को इसको इनिशिएट करूँगा किसी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना होगा वो स्ट्रिंग, और मैं इसको सिंपल कुछ इसको ऐसे पास कर दूंगा, चलो हेल्पर ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं आप समझ जाएंगे, इतने तो समझदार हैं आप। तो पब्लिक फंक्शन यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो मेरी स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे प्राइवेट दिया है उसी को मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा वेरिएबल दिस का str इज इक्वल टू मैं कर दूँगा str टू लोअर, जो कि एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे कि स्ट्रिंग एरे वगैरह के कौन कौन से फंक्शन है, डेट वगैरह के कौन से फंक्शन है, सभी फंक्शन A to Z हम बात करेंगे कि कौन से फंक्शन कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या क्या इनका बेनिफिट होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो PHP में पहले ही बिल्ट इन मेथड है उनका। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, स्ट्रिंग के जितने भी मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बनाएंगे उस पर उस टॉपिक पे तब तो बात करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल दिस str, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या हमने, जो दिस str है मतलब जो ये वाली str है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया छोटे अक्षरों में। अगर हमने बड़ा पास किया उसमें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको छोटे अक्षरों में पास कर देगा और यहाँ पर इसमें स्टोर कर देगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा आता है कि द टेस्ट कोडर
अगर ये चीज़ मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से मैं अगर यहाँ इस पे कंस्ट्रक्ट में ये चीज़ डालता हूँ तो यहाँ पर जो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाली जो चीज़ है द टेस्ट कोडर, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, द टेस्ट कोडर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग टू लोअर, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट में चलते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको स्ट्रिंग स्लग अंडरस्कोर स्लग, या स्लग ये दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, डबल स्पेस मतलब, ठीक है। वेरिएबल दिस का str इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च करना है। सर्च क्या करेंगे हम, स्पेस कोमा लगाएंगे, स्पेस को किस में कन्वर्ट करना है हमें बता, स्लग में हाइपन लगता है तो हाइपन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें देना होगा वो सब्जेक्ट है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देश डॉट str, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पब्लिक फंक्शन गेट str, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपल रिटर्न कर रहे हैं वेरिएबल दिस का str, ठीक है। जो यहाँ पर ये जो चीज़ है, क्योंकि ये प्राइवेट है तो ये बाहर तो वैसे डायरेक्टली यूज होगा नहीं, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं पब्लिक गेट str मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी चीज़ जो कि हमें पता है कि ये इस तरह से काम करेगी, ठीक है। लेकिन चेनिंग किस तरह से होगी वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जैसे हमने ये वाली चीज़ लिख दी है, तो इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट हमें नेक्स्ट मेथड पे पास करना है, तो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न वेरिएबल दिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके सामने तब तक इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम यही चीज़, मतलब कोई रिटर्न इसका सेम ऑब्जेक्ट हम रिटर्न ना करें, ठीक है। तो रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल दिस, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हम ये चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हेल्पर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा वेरिएबल माई स्ट्रिंग स्लग, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हेल्पर, और यहाँ पर मुझे पास करना होगी वो स्ट्रिंग जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर द टेस्ट कोडर, एंड यहाँ पर ये चीज़ हो गई मेरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरा, जैसे कि मैं यहाँ पे ये करूँ, तो यहाँ पर मेरा ये चीज़ आनी चाहिए, और हमें पता है ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, द हाइपन और टेस्ट हाइपन कोडर, तो इस तरह से ये स्लग बनना चाहिए इसका। और इसके बाद में ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमें देगा आउटपुट, ठीक है, और ये बेसिकली रिटर्न ही करेगा हमें, आउटपुट हम एको वगैरह वो अलग से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने ये चीज़ पास कर दी है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल माई स्ट्रिंग स्लग को का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग लोअर, ताकि वो एक लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको स्लग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी चेनिंग, और इसको मैं थोड़ा सा अगर सही से ड्रेसिंग करें तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं अगर एको करूँ, तो यहाँ पर ये मेरा फाइनल हो जाता है कि यहाँ पर मेथड की चेनिंग भी हो गई है जो हमें चाहिए, और प्लस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे प्रोफेशनल किसी ने काम किया है। तो बेसिकली फंडा यही है कि जब भी हमें किसी मेथड की चेनिंग करनी हो तो हमें उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा हमेशा के, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उसका अगर ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी हम मेथड की हम चेनिंग कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेनिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ से एको मैंने अगर इसको किया, और यहाँ से मैं इसको अगर रन करूँ, तो ये मेरा है मेथड चेन, और यहाँ से मैं लोकल होस्ट पे जाऊँगा, और यहाँ से अगर मैं स्लैश लिख के यहाँ पे लिखूँ मेथड चेन, ठीक है, और ये देखिए मेरा आउटपुट जो हमने यहाँ पे एज्यूम करके हम चले थे कि हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, सेम वो का वो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम स्ट्रिंग को कुछ चेंजेस कर दें कि द
प्रोग्रामिंग चैनल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि हमारे ये दो अक्षर बड़े हैं, यहाँ पे फर्स्ट ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों अक्षर भी छोटे हो गए, ये भी छोटा हो गया, प्लस यहाँ पे जो स्पेस था वो कन्वर्ट होके हाइपन यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो इस तरीके से हम चेनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे PHP का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप डाटाबेस मैनेजर भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कमेंट में बता दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि आपके पास में कोई भी एक क्लास है, जैसे कि मान लो बुक, आपने किसी बुक से वो किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कि मेरे पास एक बुक क्लास है, बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, ठीक है, और इस बुक को मैंने बेसिकली लिया था अपने, अगर मैं कहूँ कि मैंने डाटाबेस से इसका कनेक्शन किया हुआ है, या यहाँ पे मैं कर दूँ इसको DB, और इसको भी मैं DB में कन्वर्ट कर देता हूँ कि मेरे पास डाटाबेस का कनेक्शन है बेसिकली, और मैं DB पे यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए, ठीक है, और कॉमा मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूँगा, यहाँ पे प्राइज चाहिए, और मुझे चाहिए पेज अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेलेक्ट में मैंने बता दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है मेरी कि मुझे चाहिए कहाँ से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, और मेरी टेबल का नाम जैसे मैंने रखा होगा बुक, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे कोडिंग नहीं की है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे चेनिंग बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम बुक, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए सेलेक्ट, यहाँ पर अगर मैं SQL की बात करूँ, सेलेक्ट टाइटल प्राइस एंड पेज काउंट फ्रॉम बुक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक, मैं सिंपल सी अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेयर, जहाँ पर या पेज अंडरस्कोर काउंट, ये मेरा हो सकता है कि मेरा एक कॉलम हो, और पेज काउंट इज लेस देन 200, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन हो गई सेलेक्ट टाइटल प्राइस एंड पेज काउंट फ्रॉम बुक वेयर पेज काउंट इज लेस देन 200 एंड गेट, और गेट कर लो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक, अगर इसको देखें तो बहुत ही अच्छा सेटअप है अपने SQL क्यूरी लिखने की जगह। तो इस तरह से आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप PHP वगैरह का यूज़ प्रॉपरली किसी भी फ्रेमवर्क बनाने के लिए कर रहे हो, या आप यूज़ कर रहे हो अपने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ओनली ऑन PHP के ऊपर, और विदाउट किसी फ्रेमवर्क के या किसी पैकेज के अगर यूज़ करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पर आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मेथड चेनिंग है, जो कि अगर देखने में भी, अगर कोई आपका कोड देखता है तो ये लगे कि जैसे प्रोफेशनल बंदे ने कोड लिखा है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी ताकि मैं आपको ये बताऊं और किस तरह से चेनिंग कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आप PHP के जो सिंपल मेथड है उनमें कर रहे हैं, यहाँ पर जो PHP के अलावा जहाँ पर भी ऑप्स कंसेप्ट लागू होता है वहाँ पर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और प्रोफेशनल तरीका है किसी भी कोड को सही तरीके से दर्शाने के लिए, या यूं कहें कि अगर कोई बंदा रिव्यू कर रहा है आपके कोड को तो उसको लगे कि भी किसी प्रोफेशनल बंदे ने कोड लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था कि मेथड की चेनिंग कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यार कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है मैं क्लियर करने की, नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।